हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग वेलकम टू दिस क्लास आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट अन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर सी एस आई आर यू जी सी नेट एग्जामिनेशन लाइफ साइंसेस जो कि आगे आप लोग देने वाले हैं और इस सी एस आई आर यू जी सी एग्जामिनेशन और इसमें आपको जो आप लोग टारगेट कर रहे हैं जो जी आर एफ आर टारगेट आप लोग कर रहे हैं उसके लिए आपको अच्छे से जो प्रिपरेशन है वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे तो आप ये जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं उसको भी देख सकते हैं और आगे जो क्लासेस आने वाले इन सबको आप देखिए और आपका प्रिपरेशन जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए आज का जो टॉपिक है वो है टी आर एन ए प्रोसेसिंग इन प्रोकैड जिसके बारे में हम बात करेंगे और अब आप लोग चैनल में न्यू है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को साथ साथ लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बाकी जो लोग हैं आपके जो जानने वाले जान पहचान के लोग हैं उनको भी मेरे क्लासेस के बारे में जानकारी मिले और वो भी बेनिफिटेड हो सके ठीक है आप लोग हेल्प कीजिए दूसरे की एक दूसरे की तो कि ताकि आप आ, जो आ, मतलब इसके जो क्लास है उसके बारे में बाकी लोग भी जान सके और वो भी अच्छे से पढ़ सके तो हम बात करेंगे आज टी प्रोसेसिंग के बारे में और उससे पहले हमें देखना है एक जो मॉडल ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं जो कि आप जानते हैं इकोलाई तो इकोलाई में टी आर एन ए प्रोसेसिंग हम देखेंगे और इस इकोलाई e. में जो टी आर एन ए के जीन है जिससे अल्टीमेटली ये टी आर एन ए बने बनेंगे टी आर एन एक्सप्रेसड होंगे वो टोटल एटी सिक्स होते हैं और टोटल एटी सिक्स टी आर एन ए जीन में से 64 टी आर के जो जीन है ठीक है वो पॉलीसिस्टोनिक ओपेर के फॉर्म में रहते हैं ओपेरॉन का आपको पता है ओपेरॉन क्या होता है अगर नहीं पता है तो मेरे क्लास में मेरे चैनल में ऑलरेडी ओपेर के वीडियोस है ऑलरेडी मैं ले चुका हूं जो बहुत डिटेल में है आपको देख के पता लग जाएगा तो आप उस ओपेरॉन के क्लासेस को देख सकते हैं ताकि ओपेर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चले तो ज्यादा इसमें डीप में ना जाके मैं बता रहा हूँ कि पॉलीसिस्टोनिक ओपेर और मोनोसिस्टोनिक ऑपरेशन इसमें से 64 जीन्स दे आर इन अ पॉलीसिस्टोनिक ऑपरन कन्फर्मेशन और वो उस तरह से एक्सप्रेस होता है और मोनोसिस्टोनिक कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं बाकी के जीन और बन जाते हैं क्या बन जाते हैं डीएनए से प्री टीआरएनए उसको हम क्या बोलेंगे प्री टीआरएनए जिसकी डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एमआरएनए बनता है उसमें उसको पहले हम बोलते हैं पहले पहले स्टेप को बोलते हैं डीएनए से प्री एमआरएनए इसको बोलेंगे प्री टीआरएनए राइट नेक्स्ट तो पहले ऐसा माना जाता था कि जितने भी टीआरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स हैं सिर्फ प्रोकैरियोट में वो सब के सब एक ही है दैट मीन्स वन शू फिट्स ऑल एक ही जूता है जो सबको फिट होगा ठीक है जितने भी टीआरएनए के जो मतलब टी आर जो बनेंगे प्रोसेस्ड होके बनेंगे सबके सब एक ही प्रोसेस से होगा एक ही टाइप से होगा उनमें कुछ फर्क नहीं होगा ऐसा पहले माना जाता था बट एक्चुअली ऐसा नहीं है एक्चुअली नॉट एक्चुअली दैट नॉट द केस अब देखेंगे किस तरह से ये एक दूसरे से अलग है जो लेफ्ट में आपको पिक्चर दिख रहा है ये टी का स्ट्रक्चर है आपको लगा हो लग रहा होगा कि ये तो क्रोवाली स्ट्रक्चर नहीं है

ये एंटीकोडन लूप है राइट इस एंटीकोडन लूप समझ आ रहा है तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है और आपको मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग प्रोसेस होगा टीआरएनए प्रोसेसिंग का अलग अलग होगा तो कैसे होगा <coughs> हम देखेंगे सबसे तो पहले तो जो बेसिक टीआरएनए प्रोसेसिंग के स्टेप्स है वो एक्चुअली तीन या चार है उसमें से पहला है फाइव प्राइम एंड का प्रोसेसिंग जस्ट लाइक डी एन ए डी एन ए जस्ट लाइक एम आर एन ए जैसे उसमें आपको एक एंड्स uh, होते हैं फाइव प्राइम और थ्री प्राइम दो अलग अलग पोलर दो अलग अलग पोल होते हैं फाइव प्राइम थ्री प्राइम यहाँ पर भी होगा फाइव प्राइम थ्री प्राइम तो फाइव प्राइम एन का प्रोसेसिंग थ्री प्राइम एन का प्रोसेसिंग एंड एक सीक्वेंस होता है थ्री प्राइम एन में आपको पता है दैट इज़ अ सी सी ए सिक्वेंस और ये कंजर्व है ये सी सी ए सिक्वेंस अगर ना रहा तो टी आर एन ए नहीं कर सकता है टी आर एन ए के लिए और खास करके एम एसिड को उस एक्सेप्टर आर्म को जो एक्सेप्टर आर्म में जोड़ने के लिए ये सी सी ए सिक्वेंस चाहिए तो ये सी सी ए सिक्वेंस अगर नहीं होगा तो उस सी सी ए सिक्वेंस को कैसे मेंटेन करना है उस सी सी ए सिक्वेंस को किस तरह से वहां पे लाना है उस सब वो सब कुछ मेंटेनेंस के पार्ट में आता है तो ये एक पार्ट है और एक पार्ट आता है जो कि कुछ बेस मॉडिफिकेशन होते हैं टी आर में उसके बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बिकॉज आज की क्लास में वो अगर बताने जाओ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक वो हम बात करेंगे अलग क्लास में <coughs> तो जैसे कि मैंने बोला कि पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक हम देख हमने देखा कि हैं, वो जो टी आर ए बनते हैं वो के बनते है, और बाकी के monosistronic के। तो दोनों अलग अलग होगा पॉलीसिस्टोनिक में जिस तरह से काम करेगा जिस तरह से प्रोसेस चलेगा डेफिनेटली मोनोसिस्टोनिक में सेम प्रोसेस तो नहीं होगा इनमें भी अलग अलग और हम देखेंगे इन पॉलीसिस्टोनिक भी अलग अलग, अलग प्रोसेसिंग इवेंट्स होते हैं अलग अलग प्रोसेसिंग मेथड्स हमें देखने को मिलेगा तो हैं एक एक करके सबसे पहले पॉलिसिस्ट्रॉनिकॉन के जरिए एक्सप्रेस्ड जो हुए हैं उन टीआरएनए के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉलिसिस्ट्रॉनिक है सब एक के साथ एक अटैच है एक्स हिस्टिडिन आर ल्यूसिन टी प्रोलिन एम तो ये जो एक्स आर टी एम ये इसका मतलब ये है कि आपको पता है कभी कभी क्या होता है एक एमायनो एसिड के मोर देन वन कोडॉन होते हैं आपको पता है ये चीज आपने कोडोन पढ़ा है तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर तो कोडॉन एक उसी वो, उस एसिड को ला रहा है सपोज आर्जिन को ला रहा है आर सिंगुलटर कोड है आर्जिन का तो आर्जिन को ला रहा है फॉर एग्जाम्पल अभी ये एंटी अगर चेंज हो इस चेंज हो गया में एंटीकोडन चेंज हो गया क्यों एंटीकोडन चेंज होगा बिकॉज कोड चेंज हो चुका है तो डिफरेंट कोड के लिए डिफरेंट एंटीकोडन के लिए सेम ही होंगे. तो इस चेंज यहाँ पे जो बाद में जो लिखा गया है एक्स आर टी एम वो है ये अब आप लोग समझ गए हैं और इसके साथ साथ आपको देख रहा है थ्री एंड में एक स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट रो इंडिपेंडेंट रो इंडिपेंडेंट क्या है टर्मिनेटर है ये रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर है तो इस तरह का हेयर बनता है, हेयर पिन लूप तभी बनता है जब रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है ना इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर ओपेर में ये ओपेर है ठीक है जस्ट जो जीन था वही यहां पे प्री टीआरएनए बन के आ गए हैं वो ही नहीं था ना आरजीनियमेंगे तो, तो यहाँ पर सबसे पहले एक इंडो काम इंडो, इंडो, मतलब बीच में तो वो है आर एन एस ई तो आर एन एस ई जब काटता है तो, तो वो कुछ इस तरह से काटता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन फाइव प्राइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह जाता है आप देख सकते फाइव प्राइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है और ये जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर है इसको भी यहां से रिमूव करवाया जाता है वो भी करता है आर एन एस ई कट करके और जब तक ये रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर यहां से रिमूव नहीं होगा तब तक आगे के प्रोसीडियर नहीं होंगे तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन का रिमूव का टर्मिनेटर का रिमूव होना यहाँ पे जरूरी है कंपलसरी है इसके बाद काम करेगा यहाँ पे आएगा आर एन एस पी जो कि और एक राइबो इंडोन्यूक्लियस है ठीक है और इसके साथ साथ कुछ एक जो न्यूक्लियस है जो कि 3 exo, 3 है, है 3 मतलब 3 की थ्री प्राइम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक जो न्यूक्लियस है वह आर एन एस टी एन आर एन एस पी एच और नीचे जो दोनों दो लिखे हुए हैं आर एन एस डी एन आर एन एस बी एन ये दोनों और कुछ नहीं है अगर आर एन एस टी एन आर एन एस पी एच कभी नहीं है कभी भी नहीं है किसी कंडीशन में बाई चांस म्यूटेशन हो गया काम नहीं कर पा रहा है तो उसके जगह पे काम करेगा आरएनएस डी आरएनएस बीएन सेम ही काम करता है जो कि आरएनएस टी आरएनएस पी एच करता है और यहाँ पे एक खास बात देखिए जो आरएनएस पी है जो आरएनएस पी है ये वाला ये एंडोन्यूक्लियस है बट ये डायरेक्टली कट करके देखिए यहाँ पे फाइव प्राइम एंड को वो मैच्योर कर देगा डायरेक्टली फाइव प्राइम एंड को मैच्योर कर देगा कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ वहां पे आपको नहीं दिखेगा सब कुछ रिमूव हो चुके होंगे और एंड जो है ये यह प्राइम एंड जो है वो मैच्योर हो चुका है जब आर एन एस पी काम करेगा और बाकी आर एन एस टी काम करने के बाद अल्टीमेटली मैच्योर टी आर एन ए हमें देखने को मिलेगा ये क्या है मैच्योर टी आर एन एस नेक्स्ट हम देखेंगे ये भी एक पॉलीसिस्टोनिक के जरिए एक्सप्रेस होके निकला है यह आया है प्री टी आर एन ए बने हैं आप देख सकते देख के समझ आएगा आ गया होगा आपको और ये भी ल्यूसिन क्यू ल्यूसिन ल्यूसिन पी या वी अलग अलग एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग अलग अलग, अलग, अलग पे यहाँ पे ल्यूसिन के टीआरएनए के ट्रांसक्रिप्ट यानी कि प्री टी आर एन ए यहां पर आपको रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन नहीं दिख रहा है तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन आपको अगर नहीं दिख रहा है तो ये क्या है ये रो डिपेंडेंट है तो रो डिपेंडेंट पे अगर होता है तो यहां पे आपको याद रखिए मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस जब रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन टर्मिनेटर आपको दिखेगा उस प्री प्री का का उस प्री टी का प्रोसेसिंग आर एन एस ई से शुरू नहीं होगा वो शुरू होगा आर एन एस पी से साथ साथ यहां पे और दो एंजाइम काम करेंगे पीएनपीएस एन पी एस आर एन एस टू पी पॉली न्यूक्टाइड फॉस्फोरास टू ये दोनों definitely आपको पता है ये दोनों क्या है, ये दोनों 3 end से काम करने वाले है और directly काम करके क्या करेगा? आपको पता है वो डायरेक्टली फाइव प्राइम एंड को मैच्योर कर देगा और बाकी आर एन एस टी एन आर एन एस पी अभी बाद में अटैच होके ये थ्री प्राइम एंड को मैच्योर करेगा तो मैं अल्टीमेटली मैच्योर टी आर एन ए मिल जाएंगे तो इसमें ये रो डिपेंडेंट है डिफरेंट है पहले से ये रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है इसमें आपको हेयर पिन लूप नहीं दिख रहा है तो इसमें अलग होगा ना और दोनों यहाँ पे हैं इसमें सबसे पहला वाला है देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला सिलेनोसिस्टीन है एक्चुअली और सिलेनोसिस्टीन एक नॉर्मल अमाइनोसिड नहीं है लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल है जो कि जरूरी है ज्यादा वो क्या है ल्यूसिन यू तो यहां पर एक एक्सेप्शन है देखिए कि इधर रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर सॉरी नॉट नॉट एक्सेप्शन यहाँ पे सेम ही है देख सकते हैं आप कि यहाँ पे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर है तो आर एन एस ई आ गए राइट यहाँ पे आर एन एस ई नहीं था क्योंकि यहाँ पे रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर टर्मिनेशन हुआ था यहाँ पे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन हुआ है तो आर एन एस ई आ चुके हैं मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा जो मैं आपको क्लास में ये सब बता रहा हूं ना जो मैं आपको वीडियो में यह सब बता रहा हूं आप अगर इनको अपने कॉपी में नोट करें तो बेहतर होगा ठीक है स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए थोड़ा सा नोट कर लीजिए नोट अगर करेंगे ना तो आधा पढ़ाई उधर ही हो जाता है अगर आप नोट करते हैं तो।, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए आप अपने कॉपी में इस हैबिट को बनाइए ठीक है मेक दिस हैबिट सो एस ई e काम करके वो डेफिनेटली आपको पता है इंडोन्यूक्लियस है बट यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग एक डिफरेंट थिंग है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आर एन एस ई e, यहां पे नहीं इस साइड में नहीं काट रहा है ठीक है ये काट डेफिनेटली ये काट काट काटेगा किसको रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर को क्योंकि इसका रिमूवल अगर नहीं होगा तो आगे के फंक्शन काम आगे के फंक्शन नहीं होंगे तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर निकलेगा तभी

सॉरी हां मिल गए मैच्योर टीआरएनए मिल गए मैच्योर टीआरएनए ल्यूसिन के नाउ ये वाला देखिए दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग वन इसमें रो इंडिपेंडेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड है आरएनएसी डेफिनेटली है बट यहां पे आरएनएस ई इनको नहीं काट रहा है रादर यहां पे जो आरएनएस पी है योरडीनस पी है ये डायरेक्टली एक साइड से थ्री प्राइम एंड से थ्री प्राइम एंड से काटते हुए वो आया है और हर एक हर एक इंडिविजुअल टीआरएनए को टीआरएनए ट्रांसक्रिप्ट को वो अलग अलग कट रहा कर रहा है काट काट के और इसके जो यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्री प्राइम में जो आपको न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे मैच वो वो न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव होंगे और थ्री प्राइम एंड मैच्योर होगा इन दोनों एंजाइम के बदौलत कर देगा को. और, मिल जाएगा है, टी और इस साइड भी आप देख सकते हैं आर एन एस टी एन आर एन एस पी एच काम करेगा और थ्री पेम एन को मैच्योर करेगा आइर ये और ये मतलब दोनों ही काम कर सकते मिलजुल काम करेगा यहाँ पे और इनके एब्सेंस में

डिफरेंट टाइप के फॉर्मोस्ट्रिक में आते हैं monosistronic जो operon के expressed जो हुए है टी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा ल्यूसिन एक्स के ये जो ट्रांसक्रिप्ट आपको दिख रहे हैं ये जो प्री टी आर एन दिख रहा है इसका प्रोसेसिंग थोड़ा सा अलग होगा कैसे होगा इसमें भी आपको दिख रहा है क्या इसमें भी आपको दिख रहा है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर बट यहाँ पर रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर होने के बावजूद यहाँ पर आर एन ई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे काम करेगा का आर एन पी और यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट आपको दिख रहा है एक एक आपको दिख रहा है एक हेवी आरो एक लाइट आरो जो हेवी आरो वाला पार्ट है ये नाइन्टी परसेंट है और दिस इज टेन तो नाइन्टी में क्या होता है नाइन्टी केस में ये जो ये जो 5 प्राइम एंड को डायरेक्टली मैच्योर करेगा वो आरएनए पी करेगा और जो 3 प्राइम एंड है उसमें आरएनए एसटी एंड आरएनए एसपीएच काम करने से पहले और एक एंजाइम काम करेगा 90% केस में वो है पीएनपीएस यानी कि पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज़ और ये 3 प्राइम एंड को मैच्योर कर देगा बट पीएनपीएस काम करने के बाद भी टी एन को की जरूरत होगी बिकॉज यहाँ पे जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर है बिकॉज पे ई -E नहीं है तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर को रिमूव करने की जिम्मेदारी भी एन पी एस की ही है और पी एन पी एस उसको उस रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर को काट देगा छोटे छोटे टुकड़े में टुकड़ों में उसको काट देगा और उसको रिमूव करवा देगा और बाकी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पोर्सन रेड से मार्क किया ये वाला पोर्शन

मदद करता है आरएनएसपी को कि आप आप आरएनए पॉलीमेरेस सॉरी जो आ, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर है उसको निकाल दीजिए और वो ऐसा करेगा उसको रिमूव कर देगा और बाकी के जो मैचुरेशन है वो आरएनएसटी आरएनएस पीएच करेगा समझ आ तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन मोनोसिस्ट्रोनिक पार्ट यानी कि मोनोसिस्ट्रोनिक ऑपेरॉन से एक्सप्रेस हुआ टीआरएनए प्री टीआरएनए इस बारे में देखिए ये भी ये भी मोनोसिस्टोनिक है आईधर यहाँ पे प्रोलिन के हो सकता है आईधर यहां सकता है एट वन तीनों के तीनों नहीं होंगे तो ये है इसमें भी रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर है यहाँ पे काम करेगा, और यह यहाँ पर टर्मिनेटर को रिमूव कर दिया और डिरेक्टली आर एन एस पी काम करेगा इसके बाद और फाइव प्राइम एंड को मैच्योर कर दिया मिल गया हमें मैच्योर टी आर एन ए वेरी वेरी सिंपल, सिंपल राइट, तो तो ये है मोनोसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक so, में आपको दो टाइप के दिखे, दिखे आपको, सिर्फ और सिर्फ एक्स लूसिन परसेंट इन दोनों के बदौलत होता है और बाकी जो है उसमें जैसा होता है आर एन एस ऐसी होता है समझ आई तो यह मोनोसिस्टोनिक उपरान्स एक्सप्रेस जो टी आर एन ए है प्री टी आर एन ए उसका प्रोसेसिंग और लास्ट में एक बचा है सी सी ए जो सीक्वेंस है उसका मेंटेनेंस ये कैसे होता है तो ये जो टी आर एन है मान लीजिए कि इस साइड पे सीसीए सीक्वेंस है ये थ्री प्राइम में होता है तो थ्री प्राइम में जो सीसीए सीक्वेंस है ये अगर ना हुआ तो टी आर एन फंक्शन नहीं कर सकता है. तो इस इस सीसीए सीक्वेंस को आइधर ऐड करो या फिर सीसीए का अगर ना हो कि यहाँ पे मान लीजिए कि जीसीए था पहले तो इस जी को हटा के उसकी जगह फिर से सी को लाने का जो फंक्शन काम है वो भी मेंटेनेंस के पार्ट में आता है इसको का, इसको जो इस काम को जो अंजाम देता है वो है तो ट्रांसफरस <laughs> so, क्या करता है अगर यहां पे सीसीए सीसीए बिल्कुल भी नहीं है सीसीए ये तीनों के तीनों है ही नहीं सीसीए तो को ऐड करने का फंक्शन भी यही करेगा न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरस अगर रिपेयर करना हो जैसे कि अभी रिपेयर हुआ सी की जगह पे जी था फिर से यहाँ पे सी आ गया तो ये जो रिपेयर फंक्शन है वो भी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर ही करता है कहां पर थ्री प्राइम एंड में सीसीए सीक्वेंस में गॉट इट तो ये है सीसीए से सीसीए पार्ट का मेंटेनेंस सीसीए सीक्वेंस का मेंटेनेंस इसके बदौलत टीआरएनए फंक्शन नहीं करेगा इसके बदौलत मॉडिफिकेशन इज इनकम्प्लीट प्रोसेसिंग इज इनकम्प्लीट ठीक है और एक पार्ट है मॉडिफिकेशन बेस मॉडिफिकेशन उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्योंकि उसके लिए अलग क्लास लेना पड़ेगा इसके बाद हम ये हमने पढ़ा टीआरएड प्रोसेसिंग इन प्रो इसके बाद हम पढ़ेंगे टीआरएड प्रोसेसिंग इन यू ठीक है आई होप सबको क्लास समझ आया अच्छा लगा जो प्रीवियस क्लास मैंने लिया था वो एक इंटरेस्टिंग क्लास था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आप मान लीजिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन आपका किसी क्वेश्चन में डाउट है आप वो क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं उस क्वेश्चन को मैं इस तरह की क्लासेस में डिस्कस करूंगा ठीक है कैसे क्वेश्चन भेजेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए आपका क्वेश्चन डिरेक्टली या फिर डिस्कशन के लिए एक चैनल है वहां पर ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन को डिरेक्टली भेज दीजिए ठीक है वो भी कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है आपकी जो डाउट है वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ ठीक है साथ साथ अगर आपको अच्छा लगे

मददगार साबित हो सकता है आप लोगों के लिए तो प्लीज डोंट मिस माय क्लास मिस माय वी, मिस वीडियोस और बाकी जिनको नहीं पता उनको शेयर भी कीजिए आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप एज माय फैमिली एक यहाँ पे फैमिली की तरह आप है तो एक एज माई फैमिली मेम्बर्स आप इनको इस इन क्लास वीडियोज को शेयर कीजिए ठीक है फैलाइए इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा ताकि वो भी आपके फ्रेंड्स जो जान पहचान है वो भी जान पहचान के है वो भी इनसे बेनिफिट हो सके ठीक है तो आज की क्लास के लिए इतना ही फिर फ्रेंड्स आयो प्लस क्लास आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय टेक केयर गुड नाइट फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टे अपडेटेड और इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा और भी यूनिट्स होते हैं मेरे मैं और भी यूनिट के क्लासेस लेता हूँ जैसे कि जेनेटिक्स प्लांट फिजियो इकोलॉजी इवोल्यूशन डेवलप बायोलो डेवलप डेप बायो ठीक है जो भी अगर आपको दूसरे यूनिट के क्लासेस भी चाहिए क्लासेस प्रैक्टिस क्लासेस यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लासेस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा वो ठीक है तब तक थैंक यू सो मच ठीक है सो कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप फॉलोइंग क्लासेस जो कि पहले की क्लासेज उसको देखिए आप रिवाइज कीजिए उनको भी देखिए आप ठीक है बाय टेक केयर गुड नाइट